खबर पाली से है। प्रयुष्ण पर्व पर जैन समाज द्वारा मांस मछली की दुकानों पर कोर्ट का हवाला देते हुए दुकान बंद करने का जोर दे रहे हैं, लेकिन दुकान संचालकों का मांस मछली की दुकान चालू रखने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर अंशदीप को ज्ञापन सौंपा। मांस मछली की दुकान संचालक जावेद ने बताया कि जिले भर में प्रयुष्ण को लेकर मांस मछली की दुकान में पहले कभी भी बंद नहीं रखी गई और नगर परिषद की ओर से भी इस तरह का कभी कोई आदेश नहीं दिया गया। वैसे भी 3 माह से भी ज्यादा लोग लॉकडाउन के चलने की वजह से व्यापार पूरा ठप हो गया है, परिवार चलाने की स्थिति और भी दयनीय हो गई है। हमारी मांग है कि हमारी दुकानें चालू रखने के आदेश दें। मांस मछली और मीट की दुकानें बंद करने के संबंध में जैन समाज ने हमें बंद करने के लिए कहा है, लेकिन पूर्व में कभी भी मीट की दुकानें बंद नहीं रखी गई और ये जिस कोर्ट का हवाला दे या कोई आदेश नहीं है। और सिर्फ हम जो एक छुट्टी रखने वाला है वो है गणेश चतुर्थी की दुकान में लिखी हुई हम कोई छुट्टी रखेंगे और 2500 रुपये और धार्मिक आधार पर आज तो आपने कहा कभी और कोई कह देंगे तो ये व्यवसाय बंद नहीं होता है। और लॉकडाउन के कारण वैसे भी व्यवसाय की हालात बहुत दयनीय है और हर बार ये कहते हैं और कदम उठाते हैं, तो हम कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देने के लिए आया है कि आप इस चीज़ पर एक्शन लो और हमारी दुकानें चालू रखने का निवेदन। अभी आपकी दुकानें बंद है या चालू है? अभी चालू।